पिंड दे विच ना पिंड दे विच अकाल जिहा पै जांदा पिंड दे विच अकाल जिहा पै जांदा ते दुध दी कमी हो जांदी दुध दी ते पिंड दा सरपंच बड़ा सियाणा सीगा पिंड दा सरपंच बड़ा सियाणा सीगा कुछ गरीब परिवार सीगे पिंड दे लागे झुग्गियां सीगियां झुग्गियां छोटे छोटे बच्चे सीगे ते पिंड दे दा फिर गुजारा कर लैंदे सीगे ओह झुग्गियां वाले बच्चियां ने जिहड़े सीगे ना उहनां दे परिवार ओह बच्चियां नूं दुध नहीं मिलदा सीगा ते पिंड दे सरपंच ने सियाणप कीती हुण इक बहुत वड्डा भांडा पिंड दे विच जे सत्थ हुंदी ना बजुर्ग बहिंदे आ उत्थे खाता अनाउंसमेंट करवाती वी साडे पिंड दे बाहर मजदूरां दीआं झुग्गियां आ मजदूरी साडे कोल ही करदे आ औखे टाइम च आपां ही साथ देणा उहनां दा ते आपां ने की करना कल सारिआं ने जदों वी अपने घर दुध आंदा चाहे मुल दा चाहे असीं पशु झोने आ सारिआं ने एक एक गिलास दुध दा उस वड्डे भांडे च पा के आना ते असीं अपना दुध जिहड़ा ओह गरीबां दे विच वंड देणा ठीक है ते सारिआं ने सूरज निकलण तों पहिलां इह वाला काम जिहड़ा इह कर देणा आ ठीक है जी ते कहिंदे चलो जी सारे जणे आपां कल सवेर नूं दुध पायावांगे ते सारे जणे सवेर नूं उठदे आ ते सारे जणे सुणदे कोई दुध पाण जांदे आ देखदे सारे बंदे गिलास लै के तोयो आ ते इक बंदा विच सियाणा मिल जाएगा कहिंदा सारे जणे दुध पाणा ही आ मैनूं तां देखणा ही आ जाके गिलास पा के आ गया मैं ओह ही कहदा कहिंदा इदां कहदा मैं गिलास पाणी दा लै जांदा इन्ने हणा घट्टो घट्ट 99 गिलास दुध दे आ विच इक गिलास पाणी दा वी आ गया इत्थे कहड़ा पता लगणा ठीक है ना ते ओह बंदा जांदा सारे जने जाते गिलास लैके गिलास लैके तो जी मैं भी दान कर चला ठीक है सूर्य निकल मूह आ जाएगा इदा किता गिलास पा के चलो जी आ गया तो जो सूर्य निकलिया सरपंच होनी देख आए भी दुध दान करके आईए तो जो जाते भांडा देखते हैं तो भांडा पूरा उपर तक भरिया लवा लव पता कहदे नाल क्योंकि सारे पिंड दे विच सियाणे सीगे सारिआं ने सोचिआ बाकी वाले दुध पाणा आ मैं इक गिलास जिथे इदां दी टीम होएगी जिथे इदां दी टीम होएगी उथे हमेशा कला कलेश ही आना उथे लग पुणेगी आनी ओह बेआ बंदा पट के लै गया मैं ओहदा बंदा पट के लै आवां कोई बंदा किसे कोल खड़ा होया तेना प्लान करन जांदा नहीं मेना नहीं मैं अपना मैं जे खले भी तू मेको आ जा मेरी टीम च आ जा एक कदम ते आ 99 कदम मेरे आपा तो प्लान भी कही दा देख आदिक फोटो मैं तो प्लान कर हले भी जाना हां मतलब कहन दे भाव की आ ओ जे भाई तू लोका दी प्लान करन जाना ते लोड का दी ओदी समझे बनी जे तेरी टीम इन्नी बढ़िया आ फिर ते नवे बंदे दी लोड ही काते आ पर मेनू माण आ तुहाडे सारिआं दे उत्ते कि फाइटर ग्रुप एक इदां दा ग्रुप आ जिहदे विच लोक अपनी पर्ची दे उत्ते भी दूजे दा नाम लिख के ते ओह चीज करदे आ मैनू अज तक कदे भी ए चीज दी शंका नहीं आई कि मीटिंग परम जी दी भाई टीम दे विच आ ते उत्थे मनदीप कुंजल जी नूं भेज देवां ठीक है ना मीटिंग मनदीप जी दी आ उत्थे परम जी दे भाजी अजय जी तो होए आ मीटिंग पुष्पा मणि टीम दे विच आ उत्थे मनदीप कुंजल जी मीटिंग करन जांदे पए क्योंकि सानू अपने फाइटर ग्रुप ते माण आ भई कोई बंदा जदों भी किसे नूं कोई गल कहेगा उन्हें हमेशा उपर चक्कन दी गल करनी आ कदे भी किसे बंदे ने पुछिया भई यार साथ दिओ कहिंदे यार दुनिया दे उत्ते दुनिया नूं कुछ बदलाव लैके आना होवे की करना पैणा कहिंदा कुछ नहीं करन दी लोड़ जे दुनिया बदलनी है ना बस लोकां नूं की चाहिदा जिहड़ी इक दूजे दी लत्त फड़ के खिच्चदे आ ना ओह हत्थ फड़ के खिच्चना शुरू कर देण ते सानूं माण आ पूरी कंपनी लत्तां खिच्चदी होएगी पर फाइटर ग्रुप इक तरह दी उप्पर जिहड़ा इक दूजे दी बांह फड़ के उप्पर खिच्चदा तुसीं फाइटर ग्रुप दे विच अपनी टीम नूं लै के किसे को भी खड़े हो जाइओ चाहे अजय जी को खड़े हो जाओ चाहे पुष्पा जी को खड़े हो जाओ चाहे परम जी को खड़े हो जाओ जेको मर्जी खड़े हो जाओ तुहानूं मोटीवेशन नहीं मिलेगी तुहानूं मोटीवेशन नहीं मिलेगी जदों बंदा ज्वाइन हुंदा ना 6-7 महीने तो उन्होंने यही नहीं पता लगता भई आ बंदा साडी अपलाइन च हैगा वी के क्योंकि मोटीवेशन ही नहीं मिलती है उन्होंने ठीक है जी ते आपां इस सोच नाल काम करना शुरू करिए आपां जदों भी मेहनत करनी अपनी टीम नूं उपर चक्कण वास्ते मेहनत करनी आ ते साडा काम मोटे मोड़ ते बदना शुरू हो जाना ਜਦੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ ਚਾਹੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੋਰ ਦੋ ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 3 ਆਈਡੀਆਂ ਹੋਏ ਪਈਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਆਇਆ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋ ਜਣੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਏ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ ਪਰ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਉੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 5-7 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੱਕੀ ਰਸੋਈ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਫਸਲ ਬੀਜੋ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਜੇ 5-7 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਦਰਖਤ ਬੀਜੋ FD ਆ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਬੰਦੇ ਬੀਜੋ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਪਿਊਪਲ ਬੰਦੇ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨੀ ਬੰਦੇ ਵੱਢ ਕੇ ਗੁਮਾਦ ਵਾਂਗੂ ਬੀਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਬੰਦੇ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਬੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਵੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬੀਜੇ ਆ
ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ 5 ਤੋਂ 7 ਜਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 10 ਜਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ 10 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਉਹ ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੀ ਮੋੜ ਤੇ ਆਈਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।